आरकेए राजकीय कॉलेज मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। इस दौरान लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत को लेकर मुख्यमंत्री खुद कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 वोटों पर एक पन्ना प्रमुख बीजेपी ने बनाया, जिसके कारण बीजेपी ने अद्वितीय जीत हासिल की। मुख्यमंत्री ने पन्ना प्रमुखों के लिए गीत बनाने वाली मंडली को 21,000 रुपए देने की घोषणा भी। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को विकास के रास्ते पर ले जा रही है और इस देश को विश्व में गुरु बनाना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार हेल्थ और एजुकेशन पर अपना काम करेगी, जातीय क्षेत्र और वर्गों में प्रदेश को नहीं बढ़ने देंगे और राजनीति में जातिवाद का कोई स्थान नहीं होगा। पड़ोसी राज्यों से मुकाबला कर उनसे आगे हरियाणा प्रदेश को अव्वल स्थान पर लाएंगे। विधानसभा में 2/3 बहुमत के लक्ष्य को लेकर चुनाव में उतरेंगे। जब इन्हीं नेताओं में से एक नेता ने आकर कहा कि मैं भी पन्ना प्रमुख हूँ और उन्होंने अपना पन्ना मुझे दिया, अगर चाहे बड़े कार्यकर्ता यानी चाहे नेता है, चाहे विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे हमारा गली मोहल्ले का कार्यकर्ता है, हमने पन्ना प्रमुखों की जो परंपरा शुरू की, जो सिस्टम शुरू किया, भले ही हरियाणा में पहली बार किया लेकिन अद्वितीय प्रयोग केवल 60 वोटर तक अपनी अप्रोच करने के लिए, पहुंच बनाने के लिए, संपर्क करने के लिए ये काम उसको दिया गया। तो ये अपने अपने जो घर रहते थे हमने इसको बदलना है। हमारा जो ध्येय वाक्य है, हम कहते हैं चलो जलाए दीप वहां जहां अभी अंधेरा है। हम जहां अंधेरा है उसको उजाला करने के लिए अपने आप की यात्रा हमने शुरू की है। गरीब की सेवा करेंगे, पीड़ित की सेवा करेंगे, चाहे वो मजदूर है, किसान है, छोटा व्यापारी है, पूर्व सैनिक है, सैनिक परिवार है, हमारा युवा है, महिला है, दिव्यांग है, जहां भी कोई कमी रह गई है उस कमी को समाप्त करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम लोग अपने सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सोच का अंतर ये हमको लेके आना है। पहले हम कार्यकर्ताओं को लाना है, कार्यकर्ताओं के बाद जनता को यह संदेश पहुंचाना है कि हम किस लाइन पर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए 100 दिन के बाद आने वाले चुनाव का हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य टू-थर्ड मेजोरिटी। ये टू-थर्ड मेजोरिटी हरियाणा असेंबली में हमारा ये लक्ष्य है। हम बहुत ज्यादा इतनी हाथ को नहीं मारते कि हम 90 जीतेंगे, 80 जीतेंगे, 80 जीतेंगे। इस लक्ष्य को पूरा करें और हम जाकर के अपने अपने क्षेत्र में उसी तन्मयता से काम करें जिस तन्मयता से हमने लोकसभा चुनाव किया। अंत में मैं पूरा सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे वो पन्ना प्रमुख गली मोहल्ले का हो, चाहे पन्ना प्रमुख बैठा हो हमारा मंच पर कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा मंत्री है, सांसद है, विधायक है, चेयरमैन है, पदाधिकारी है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद। आज न्यूज के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।